ऐसे ही पहलवान लोग कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा, ये उसके थे तिरंगे के। जब ये वहां पर पदक लेकर आए, इनने कोई अपना बोर्ड लगा रखा था? ये नेशनल फ्लैग लेके गए थे वहां पे, तिरंगे का ही विदेश में सहारा होता है और कोई सहारा नहीं होता। हम भी करीब 24-25 देशों में गए तो हमको भी जो पहचान मिलती है वहां पे नेशनल फ्लैग होता है, इसे पहचान मिलती है कि हम इंडियन हैं, हम भारत के हैं। हम अपना झंडा लेकर जाए तो उसकी कोई पहचान नहीं है। हम भी अपना नेशनल फ्लैग लेकर जाते हैं। इन पर एलिगेशन ना लगाओ, ये कोई बच्चे आंदोलनकारी थे? वे हताश हैं पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में। वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। उनको हताश होने की जरूरत नहीं, ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। न्याय नहीं मिलता तो हम कल अयोध्या में भी गए थे, वहां पे भी बहुत पत्रकार बंधु वहां पे भी मिले हमको। हम हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए, वहां पे भी मिले। सब संत महात्मा आपके साथ में है। जो राम मंदिर बन रहा उसके भी दर्शन करने गए, वहां पे भी लोग मिले। पुलिस फोर्स से लगा के और अधिकारी जितने भी संत महात्मा हैं सब अन्याय के खिलाफ हैं, आपके साथ में हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख में मीटिंग कर रहे हैं, करो, हम भी मीटिंग करेंगे, हमारे भी यात्राएं निकलेगी। ट्रैक्टर कोई किराए के जाने हैं क्या? मीटिंग होगी। हमने पहले भी कहा था जब हम महल में गए कि खाप खाप पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, हर खाप की मीटिंग करेंगे, हर समाज की मीटिंग करेंगे। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे,